हेलो गाइस, भगवान की दुआ मनाते हैं कि आप लोग अच्छे हैं, हम ये अच्छे हैं। तो अब पुलिस आ गई है समर के घर गुनगुन को गिरफ्तार करने। तो बीच में दीवार बन के समर की मम्मी आ गई कि नहीं एक कहाँ जाएगी, तो आप इसको जो ले जा रहे हैं तो आप सेफ्टी में रखिएगा। आप तो हाँ हम मान लिए कि समर का बच्चा है, आप तो बोले ना दीदी, आप अभी कबूल लिए ना कि समर का ही बच्चा है, क्या बोले ना, तो मान लिए हैं समर का बच्चा है, तो आप अभी कबूल लिए, फिर उतना दिन से क्यों नहीं कबूले थे। नहीं यार, अपने गुरुजी आप तो कबूल लिए, तो आप जो इल्ज़ाम लगा रही हो राधिका को ऊपर कि बच्चा गिराने के बाद कौन बोला था, बच्चा गिराने के बाद तो आप ही ने बोले थे गुनगुन को कि चलो हम बच्चा गिरवा दे रहे हैं, चलो डॉक्टर को ना, आप बोले थे ना गुनगुन के मारने के भी उठी आप, तो आप राधिका पर कहाँ से इल्ज़ाम लगा रहे हैं। राधिका कितना करेगी आप, वो आप जो राधिका गुनगुन भी घर में थी तो आप क्या समझते हैं राधिका आप लोग को भार बोझा ले सकती है सब कुछ, और आप गुनगुन का खाना बना के दो सब कुछ, उसका दूसरी बीवी को, वो समर का दूसरी बीवी को राधिका तब खाना बना के भी देती थी, सब काम करती थी, तब राधिका क्यों करेगी। राधिका शादी की ऐसी कर ली, अपने का आपका डिप्रेशन का बेटा स्वीकारता है, डिप्रेशन स्वीकार के बेटा के लिए आपका राधिका यहाँ शादी करेगी, क्यों वो कर ली शादी। अरे आप जो अभी राधिका को बदनामी कर रहे हैं तो आपको तो ऐसा करना नहीं चाहिए। तो अच्छा है बच्चा आएगा, ठीक है, माँ का नाम भी मिलेगा बच्चे को। अब जो बोल रहे हैं कि राधिका के ऊपर जो सब कुछ बदनाम करो तो ऐसा करना नहीं चाहिए आपको। मैंने राधिका जी बोली है सास मेरे गाली दे रही थी कर, तो आप उसको इधर कर दी, बदनाम कर दी, है ना। तो आप जो है ना बहुत बड़ी क्या बोले, बहुत झूठी इंसान हैं, बहुत आप जो इतना झूठ बोलते हैं, बहुत झूठे इंसान हो, आदमी को पहचान नहीं पाती है। वो राधिका आप लोगों को कितना गुनगुन के तरह तो नहीं करती थी ना, गुनगुन का माँ बाप गुनगुन के तरह इतना बेइज्जत, कितना बेइज्जत किया उसका माँ बाप भी तो किया, आप क्या भूल गए, आप क्या भूल गए। उसकी मम्मी यहाँ बैग पकड़ के कपड़ा बोल दी जाओ भेजो इसको, भूल गए। बस इतने ही बोलने मांग रहे हैं हम, समझे दोस्तों। हम दो दिन तो बोले नहीं, तबीयत ठीक नहीं था एकदम, दो दिन बोल नहीं पाए। तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।